सदन में हमारे एक साथी ने कहा, वैक्सीनेशन इज नॉट अ बिग डील, वैक्सीनेशन इज नॉट अ बिग डील। मैं ये देखकर हैरान हूं, कुछ लोगों को भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि उपलब्धि नहीं लग रही है। एक साथी ने यह भी कहा कि टीकाकरण पर व्यर्थ खर्च हो रहा है। ये देश सुनेगा तो क्या लगेगा ऐसे लोगों के लिए। आदरणीय सभापति जी, कोरोना जब से मानव जात पर संकट में पैदा कर रहा है, सरकार ने देश और दुनिया में उपलब्ध हर संसाधन जुटाने के लिए भरपूर कोशिश की है। हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए जितना भी हमारी सामर्थ्य था, समझ थी, शक्ति थी, और सबको साथ लेकर के चलने का हमने प्रयास किया है। और जब तक महामारी रहेगी तब तक सरकार गरीब से गरीब परिवार का जीवन बचाने के लिए जितना खर्च करना पड़ेगा खर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन कुछ दल के बड़े नेता बीते दो सालों में उन्होंने जो अपरिपक्वता दिखाई है उससे देश को भी बहुत निराशा हुई है। हमने देखा है कि कैसे राजनीतिक स्वार्थ में खेल खेले गए हैं। भारतीय वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलाई गई। थोड़ा सोचिए, जो पहले आपने कहा था आज जो हो रहा है उसको थोड़ा दोनों साथ मिलाकर देखिए, हो सकता है सुधार की संभावना हो तो कुछ काम आ जाएगा। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता जागरूक है और मैं देश की जनता का अभिनंदन करता हूं कि उनके हर छोटे मोटे नेताओं ने ऐसी गलती की तो भी उसने इस संकट के समय ऐसी बातों को कान पर लिया नहीं और वैक्सीन के लिए कतार में खड़े रहकर के अगर ये ना हुआ होता तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता। लेकिन अच्छा हुआ देश की जनता कुछ नेताओं से भी आगे निकल गई, ये देश के लिए अच्छा है। आदरणीय सभापति जी, इस पूरा कोरोना कालखंड एक प्रकार से फेडरल स्ट्रक्चर का उत्तम उदाहरण मैं कह सकता हूं। 23 बार शायद किसी एक प्रधानमंत्री को एक कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों की इतनी मीटिंग करने का अवसर नहीं आया होगा। मुख्यमंत्रियों के साथ 23 मीटिंगें की गई और विस्तार से चर्चाएं की और मुख्यमंत्रियों के सुझाव और भारत सरकार के पास जो जानकारियां थी उसमें मिलजुल करके, क्योंकि सदन में राज्यों से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। 23 मीटिंगें करना इस कालखंड में और विस्तार से चर्चा करके रणनीति बनाना और सबको ऑन बोर्ड लेकर के चलना, और चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय स्वराज की संस्था की इकाइयां हो, सबने मिलकर के प्रयास किया है। हम किसी की योगदान को कम नहीं आंकते हैं, हम तो इसको देश की ताकत मानते हैं। लेकिन आदरणीय सभापति जी, कभी आत्मचिंतन करने की जरूरत है कुछ लोगों को। जब कोरोना की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, सरकार की तरफ से विस्तार से प्रेजेंटेशन देना था और एक तरफ से कोशिश की गई कि कुछ दल न जाए, उनको समझाने की कोशिश हुई और खुद भी नहीं आए, ऑल पार्टी मीटिंग का बहिष्कार किया। और मैं शरद राव जी का फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। शरद राव जी ने कहा, देखिए भाई ये कोई यूपीए का निर्णय नहीं है, मैं जिस जिसको कह सकता हूं मैं कहूंगा, और शरद राव जी आए, बाकी टीएमसी सहित सभी दल के लोग आए और उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। ये संकट देश पर था, मानव जात पर था,
उसमें भी आपने बहिष्कार किया। ये पता नहीं आपके एडवाइस कौन है जी, कौन कहां से आप सलाह लेके आते हैं, आपका भी नुकसान कर रहे हैं जी। देश रुका नहीं, देश चल पड़ा, आप अटक गए। और हर एक को आश्चर्य हुआ, सब लोग, आप दूसरे दिन के अखबार देख लीजिए, क्या आपकी आलोचना हुई, क्यों ऐसा किया।